हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम कमिंग बैक विद अनदर टॉपिक, दैट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रियम्बल. इन द प्रीवियस क्लास ऑफ प्रियम्बल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रियम्बल. आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एक्सप्लेनेशन विद द पीपल ऑफ इंडिया, सोशलिज्म एंड सोवरन. नाउ वी डिस्कस द अनदर टर्म्स दैट इज यूज इन प्रियम्बल. नाउ वी डिस्कस सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको वैसे लास्ट जो क्लासेस थी प्रियम्बल के उसमें समझाया था कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट या राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए जो है सारे जो रिलीजन है वो इक्वल है. सेक्युलर जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 को जो है अमेंड करके डाला गया था. सेक्युलरिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया है. उसके आगे ये कह रहा है कि इस अमेंडमेंट से पहले जो था सेक्युलरिज्म का कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था. वो आर्टिकल 25-28 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जो इम्प्लिसिट थे उसी के अंदर ही शामिल थे. जो प्रियम्बल है वो ये डिक्लेयर करता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को लिबर्टी है बिलीव फेथ वर्शिप की, कि वो अपनी मर्जी से जिस देवी देवता या भगवान या जिस गॉड की पूजा करना चाहे वो कर सकता है, जिसमें विश्वास रखना चाहे वो रख सकता है, कोई उसे उस राइट से अलग नहीं कर सकता. और जो ये आर्टिकल है 25 से 28, ये गारंटी देते हैं किसी भी पर्सन को कि उसको आज़ादी है कि वो जो किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके. प्रोफेस का मतलब है कि किसी को स्वीकार कर सके, उसका प्रैक्टिस कर सके, अभ्यास कर सके, प्रोपोगेट रिलीजन, उस रिलीजन को बढ़ावा दे सके. इन्हें सेक्युलर स्टेट, जो सेक्युलर स्टेट होता है सांप्रदायिक जो राज्य होता है उसमें जो आदमी का आदमी से रिलेशन है सिर्फ उसी को ही माना जाता है. उसमें ऐसे किसी भी रिलेशन को धर्म के नाम पर नहीं माना जाएगा. इट इज़ नॉट कंसर्न, इसमें ये कंसर्न नहीं है कि आदमी का गॉड से क्या रिलेशन है. इसमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आदमी का गॉड से रिलेशन क्या है, क्योंकि हर कोई जानता है कि गॉड एक है और हर कोई जो है अपने गॉड को अपनी कंसाइंस, अपनी बुद्धि दिमाग क्षमता से उसकी पूजा कर सकता है और उसको अपने ऊपर लागू करवा सकता है. तो सेक्युलरिज्म में यही है कि हमारे देश भारत का कोई खुद का कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को सम्मान करता है. सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग दो लैंडमार्क केस है, आप इनको माइंड में रखना. एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एसआर बोम्मई केस जो 1994 में आया था, इसमें जो भी डाउट्स थे सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग उसको रिमूव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली, मतलब बार बार ये कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो अनअमेंडेबल फीचर है. अनअमेंडेबल का मतलब कि उसको आप संशोधन उसका नहीं कर सकते, उसको आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मूलभूत ढांचा है. अगर इस ढांचे को आप हिलाओगे तो जो जाति, सॉरी जो धर्म के नाम पर जो विवाद होते हैं हिंदू मुस्लिम्स में होते हैं, अलग रिलीजन में होते हैं, वो और बढ़ जाएंगी. फिर अरुणा रॉय के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म वर्ड को दोबारा से हेल्ड कर दिया और इस बार एक पॉजिटिव मीनिंग, एक सकारात्मक अर्थ दे दिया कि सेक्युलरिज्म का जो है दूसरे धर्मों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करना है. आई होप आपको सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे आंसर पूरे डाउट्स क्लियर कर लीजिए या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए. डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक किसको बोला जाता है? डेमोक्रेटिक ये बोला जाता है जिसमें हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, इक्वल राइट्स है पार्टिसिपेशन के. तो प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानता है. जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो गवर्नमेंट होती है उसकी सारी की सारी जो पावर है वो सॉवरनिटी पर है. सॉवरनिटी का मतलब है कि हम दूसरे देश के अधीन नहीं है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं और हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स हैं एन्जॉयमेंट के, इक्वल राइट्स है फ्री पार्टिसिपेशन के. आपने कभी देखा है, नोट किया है इस चीज़ को कि जो ये हर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है बिना किसी क्वालिफिकेशन के, क्योंकि उनको फ्रीली जो है पार्टिसिपेशन का राइट दिया गया है. डेमोक्रेटिक है हमारी प्रियम्बल ये बात कहती है. और डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो पब्लिक होती है वही अपनी गवर्नमेंट को चुनती है, तभी तो अपने देश में हर साल 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाते हैं और इन इलेक्शन में ही जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को
चेंज कर देते हैं, और गवर्नमेंट जो है अपनी लिमिटेड पावर को एंजॉय करती है। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर है, ऐसा नहीं कि बहुत वाइड लेवल पे बड़े लेवल पे पावर है, उसके पास लिमिटेड पावर है। और ये हमेशा लोगों की जो सुप्रीम विल है, सबसे बड़ी जो इच्छा है, उसी के आधार पर जो है काम करेगी। आई होप आपको डेमोक्रेटिक वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, राजा महाराजाओं जैसा सिस्टम नहीं है। रिपब्लिक है कि वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होगा, और राष्ट्रपति हमारा क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और तभी तो रिपब्लिक डे पे जो राष्ट्रपति है वो जो है हमारा ध्वजारोहण करता है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को जो है वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट प्रोवाइड की है, क्योंकि जो हेरिडिटरी मोनार्क है, जैसे यूके में है महारानी का शासन है, और प्रिंस चार्ल्स बेचारा बूढ़ा ही हो गया, वो रानी ना मर रही है ना उसको शासन करने दे रही है, तो ऐसा सिस्टम अपने देश में नहीं है। अपने देश में एक फिक्स टर्म है, इलेक्शंस के बाद जो चेंज होता है, और वही सिस्टम चल रहा है। रिपब्लिक का यही मतलब है कि हमें जो है राजा महाराजाओं वाला आगे जो शासन व्यवस्था है, वंशवाद है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी क्या होता है? एकता, यूनाइट करना, एक कर दो। इंटीग्रिटी का मतलब है जिसके टुकड़े ना हो, अखंडता। हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सारे जो हैं ये कोई नहीं कहता कि मैं जो केरला का हूँ या मैं बिहार का हूँ, ये कहते हैं कि हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत देश के सभी नागरिकों से ये उम्मीद करता है कि वो जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी की को जो प्रोटेक्ट करे पूरे देश के अंदर, ये एक ड्यूटी है हर एक नागरिक की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेटर्निटी को आइडल मानता है, आदर्श मानता है, कि जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है लोगों में, वही जो बढ़ता रहना चाहिए। आर्टिकल जो 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि हमारा देश जो है वो स्टेट्स की यूनियन है, जिसे ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी राइट जो है सीसीड नहीं करेगा यूनियन से, कोई भी राइट जो यूनियन के खिलाफ नहीं जाएगा, यानी कि जो सुपीरियर राइट्स हैं वो तो यूनियन के पास हैं, और अदर राइट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। और द प्रोविज़न एम्स टू ओवरकम, ये जो प्रोविज़न बने गए थे वो नेशनल इंटीग्रेशन को हिंड्रेंस बढ़ावा देने के लिए बने गए थे, कि जो रीजनलिज्म है, जो क्षेत्रवाद है, कि ये बिहार क्षेत्र का है, ये पंजाब क्षेत्र का है, जो कम्युनलिज्म है, जो कम्युनलिज्म के नाम पे ये जातिवाद और ये वंशवाद के नाम पर, धर्म के बाद पे जो बार बार झगड़े होते हैं, लिंग्विज्म, ये जो हो गया बोली के आधार पर, कास्टिज्म, कास्ट के आधार पर, तो इस प्रकार के जो भी अलग अलग तरह के सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, उन सबको एक बनाने के लिए, देश के टुकड़े ना हो, इसलिए इंटीग्रिटी कंसेप्ट को लाया गया था। इक्वलिटी, इक्वल का मीन समान होना, इक्वलिटी का मतलब समानता। तो ह्यूमन बीइंग के तौर पर हर एक व्यक्ति को हमारे देश में डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। डिग्निफाइड का मतलब सम्मानित एक अधिकार जीने का राइट है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या अमीर है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा है या बुरा है उसका कोई मतलब नहीं है। हर एक को वैसे समान अधिकार दिए गए हैं, जब तक दूसरे के अधिकारों को आप चोट नहीं पहुंचाओगे। और फुल एन्जॉयमेंट दिया गया इक्वलिटी के अंदर, जो है कुछ फॉर्म्स को जरूरत थी कि प्रोहिबिट किया जाए। डेमोक्रेसी में जो जजमेंट या जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक वैल्यू को जो है स्थापित किया गया, तभी तो जो ये आरक्षण वगैरह इसीलिए दिए गए हैं, क्योंकि वो जो है एक वीकर सेक्शन था और उसको अभी उठने में काफ़ी टाइम लगेगा। और एक बार जो दे दिया, अब वो जो निपटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब जो है वोट बैंक की राजनीति हो जाती है, तो आरक्षण वाले मुद्दे को कोई छेड़ना ही नहीं चाहता। अगर कोई छेड़ता है तो उससे क्या है कि उनका वोट बैंक जो है कमज़ोर पड़ जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस प्रकार की इक्वलिटी को एश्योर करता है, किस प्रकार की इक्वलिटी को फाइनल यानी कि पक्का करता है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि एक मान लो कोई 10 पढ़ा हुआ व्यक्ति और एक जो है ग्रेजुएशन कर रखी है, तो दोनों को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा सकता और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती, वो डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही होगा। और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड पे, इन ग्राउंड्स पे आप उनको अलग नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति है वो बीए है, दूसरा भी व्यक्ति है, लेकिन एक जो है जाति से अलग है और एक अलग है, तो इसकी वजह से आप भेदभाव नहीं कर सकते। एक आदमी एक औरत है, उसकी वजह से भेदभाव नहीं कर सकते। एक ने हरियाणा में जन्म लिया, एक ने पंजाब में लिया, उसकी वजह से भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के भेदभाव आप नहीं कर सकते, इनमें इक्वलिटी रहेगी। थ्रोइंग ओपन पब्लिक प्लेसेस, हर एक पब्लिक प्लेस जो है हर एक सिटीजन के लिए खुला होगा। आज भी अगर ताजमहल जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हो, होटल में जाते हो, तो वहाँ अगर आपको नेचुरल कॉज के लिए जाना है, यानी कि टॉयलेट वगैरह में जाना है, तो आपको वो रोक नहीं सकते। पानी पीना उसके लिए भी वो नहीं रोक सके।
तो बाय अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी छुआछूत था उसको रिमूव करना। पहले क्या था कि वो एक नीची जाति का है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, उसने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, ये है वो, पुरानी फिल्मों में खासतौर पे ऐसा होता था। बाय अबॉलिशिंग टाइटल्स ऑफ ऑनर्स, जो ऑनर्स हैं, जो सम्मान के टाइटल दिए गए थे राजा महाराजाओं को, वो सारे टाइटल जो है अब ख़त्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ पद्मश्री और पद्म भूषण वगैरह जो ये जो कुछ पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं, ऑथेंटिक पुरस्कार है, वो ही जो है अप्लीकेबल है। फॉर बाय गारंटिंग इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसकी गारंटी की बात की गई है कि लॉ के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल है और उसको लॉ की जो भी प्रोटेक्शन मिलेगी वो इक्वल लेवल पर मिलेगी। आई होप आपको अब इक्वलिटी का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें थोड़ा वो डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज जब हम इक्वलिटी वाला मौलिक अधिकार का कंसेप्ट करेंगे तब इसको हम डीपली समझ लेंगे। जस्टिस और लिबर्टी जो है वो हमें ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जस्टिस की बात आती है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की बात आती है। हर एक व्यक्ति को सोशल लेवल पर जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक यानी कि जब इनकम की बात आती है, इक्वल इनकम वगैरह की जो बात है, तो उसका जस्टिस मिलना चाहिए। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स है पॉलिटिकल लेवल पे, जैसे वोट डालने का राइट हो गया, इलेक्शन में फाइट करने का राइट हो गया। तो जो लिबर्टी की बात है, लिबर्टी के अंदर की लिबर्टी क्या होता है, आज़ादी होता है। तो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम डिटेल में करेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के टाइम पर, जो आर्टिकल 21 है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा, ब्रदरहुड होता है। अगर एक सोसाइटी के अंदर अगर फ्रेटर्निटी ना हो तो वो जो देश है वो अलग अलग टुकड़ों में बंट सकता है। इसीलिए इसको एक आइडियल जस्टिस का मीनिंग देने के लिए लिबर्टी और इक्वलिटी के साथ साथ फ्रेटर्निटी को जो है सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना गया था किसी भी कंट्री में, क्योंकि हमारे देश में तो फ्रेटर्निटी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हमारे देश में जब बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो हिंदू और मुस्लिम जो है भाईचारा बहुत अच्छा था, सगे भाइयों से भी बढ़ के रहते थे। तो उसी को मेंटेन करने के लिए जाति धर्म भाषा और कल्चर के हिसाब से किसी प्रकार का भेद ना आ जाए, तो फ्रेटर्निटी वर्ड को उसमें यूज़ किया गया। फ्रेटर्निटी वर्ड जो है वो टुगेदरनेस यानी कि इकट्ठे रहने की का एक सोर्स है, और डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नताओं में भी यूनिटी एकता है, उसको बढ़ावा देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेटर्निटी की सेंस को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए तो सिंगल सिटीजनशिप रखी है। यूएसए में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट की एक ही सिटीजनशिप है, अलग अलग नहीं है। आर्टिकल 51 ए जो है वो ड्यूटी बताता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक उस सिटीजन की, नागरिक की, कि वो प्रमोट करे हार्मनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे और समन्वयता की भावना को वो बढ़ावा दे, दम सेल्स बाय ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। ट्रांसेंडिंग रिलीजियन, रिलीजन का मतलब अपने धर्म को साइड में रख के, लिंग्विस्टिक जाति के, सॉरी भाषा के नाम पर, रिलीजन क्षेत्र के नाम पर, सेक्शनल अलग अलग भागों में जो बंटवारे हो रखे हैं लोगों के, उनको इकट्ठा करने के लिए आर्टिकल 51 ए में जो ड्यूटी है वो ऐड की गई थी। उसके बाद बात कर देते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति के सम्मान का राइट, चाहे वो आदमी है, औरत है, बच्चा है, हर एक व्यक्ति को ग्रो, विकास करने का, प्रोग्रेस, तरक्की करने का, समानता का एक राइट दिया हुआ है, जिसमें डिग्निटी जो है उनकी शामिल की गई। डिग्निटी मतलब सम्मान से जीने का अधिकार। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है इक्वल फंडामेंटल राइट्स को हर एक व्यक्ति को देने में उस ऑब्जेक्ट में विश्वास रखता है, और उसी लिए स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखा गया कि स्टेट जो है उन्हीं के हिसाब से कोई एक्ट या कानून लाना चाहे तो ला सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि डायरेक्ट करता है पॉलिसीज़ को, कि अपनी जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसीज़ किस लिए बनाओगे, आप सिटीजन्स मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करने के लिए बनाओगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई पॉलिसी बना दी कि नरेगा में काम देना है और वहाँ औरत और आदमी दोनों काम कर रहे हैं तो उनको अलग अलग वेतन नहीं दिया जा सकता। एन एडिक्यूट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सभी को जीने का, आजीविका कमाने का साधन दिया गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। जस्ट एंड ह्यूमन का मतलब है बिल्कुल उचित जो कंडीशन है काम करने की वो निर्धारित की गई। आई होप आपको जो ये कुछ टर्म्स है वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर इनमें कुछ डाउट रह जाता है तो आपको वो डाउट है, जैसे भी आप चाहो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपका जो है डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो इन जो पॉइंट्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनका डिस्कशन वहाँ बार बार होगा। आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। इफ़ यू एन्जॉय द वीडियो तो प्लीज़ लाइक, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।
जितना आप शेयर करोगे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और जितना मुझे कमेंट मिलेगा उसी हिसाब से जो है मैं वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बना पाऊँगी। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि चाहे मैं कम करवा दूँ आपको, लेकिन जो टॉपिक मैं करवाऊँ वो इतना डिटेल में करवाऊँ कि उस टॉपिक पर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।